देख रहे हैं प्राइम स्टोरी। रुड़की के मंगलोर में स्वच्छ भारत अभियान के तहत 20,000 कूड़ेदान वितरित किए गए। प्रत्येक घर में 2 कूड़ेदान बांटे गए, एक नीला कूड़ेदान गीले कूड़े के लिए और एक हरा कूड़ेदान जिसमें सूखा कूड़ा डाला जाएगा। वहीं मौजूद नगर निगम मंगलोर के अध्यक्ष मोहम्मद इस्लाम ने बताया कि कस्बे में 20,000 कूड़ेदान दिए गए हैं। पूरे मंगलोर परिषद के अंदर जहां पर सफाई अभियान के तहत सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, वहीं मंगलोर के ईओ ने बताया कि कूड़ेदान बांटे जाने से कस्बे के लोग प्रभावित है। इसका उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 20,000 डस्टबिन दिए जा रहे हैं, एक घर में 2, एक गिल्ले कूड़े के लिए एक सूखे कूड़े के लिए, ताकि सड़क पर कोई कूड़ा ना डाले। डोर टू डोर नगर पालिका के जो सफाई कर्मचारी वो डोर टू डोर घर से उठाएंगे कूड़ा। भारत सरकार की जो महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत मिशन योजना है, उसके तहत घर घर में प्रत्येक घर में 2 डस्टबिन सूखे कूड़े और गीले कूड़े के अलग अलग दिए जाने हैं। तो मंगलोर नगर में लगभग 9,000 परिवार हैं, सभी परिवारों को दिए जा रहे हैं ताकि वो कूड़े अलग अलग रखें और हमारे कर्मचारी को सीधे दें इधर उधर। आप देख रहे हैं प्राइम स्टोरी।